गाइस YouTube की दुनिया में थंबनेल एक ऐसा चीज है जो आपकी वीडियोस को वायरल करता है। यानी कि एक बार YouTube जब आपकी वीडियो को सर्च रिजल्ट में लाने लगता है, यानी कि रैंक कर देता है, लोगों के प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियोस विजिबल होने लगते हैं, तो वहां पे आपका थंबनेल ही एकमात्र ऐसा चीज होता है जो आपकी वीडियोस पे व्यूज लाता है, यानी कि उस पे क्लिक करने के लिए लोगों को मजबूर करता है। सो आज हम अपने वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना सीखेंगे प्रोफेशनल सा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपने थंबनेल मेकिंग स्किल को और भी इंप्रूव कर सकते हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का चैनल हो, गेमिंग, टेक या फिर स्टडी या कुकिंग, किसी भी तरीके का चैनल हो। Hey guys, this is Sonu and you are watching T4 channel. तो गाइस थंबनेल बनाने के लिए आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सल ऐप है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं जितने भी डिजाइन का काम करता हूं, चाहे लोगो बनाना हो, बैनर बनाना हो, थंबनेल बनाना हो, सब मैं पिक्सल ऐप से ही करता हूं, क्योंकि पिक्सल ऐप हमें इतने सारे फीचर्स देता है जो मेरे को ना लगता कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो आजकल हैं प्ले स्टोर पे अच्छी रेटिंग के साथ उसमें मिलते होंगे। सो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, देन आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पे आपको टॉप राइट कॉर्नर 3 डॉट का एक लाइन मिलेगा, इस पे आपको टैप करना है, देन आपको यहां ईमेल साइज पे क्लिक करना है, यहां प्रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहां से YouTube थंबनेल को सेलेक्ट करना है, देन यहां ओके पे क्लिक करना है। ये जो है थंबनेल का साइज होता है स्टैंडर्ड साइज YouTube की तरफ से। इसके बाद गाइस हमें अपने थंबनेल के लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेट करना है, सो इसके लिए आपको यहां राइट कॉर्नर में क्लिक करना है, देन आपको टॉप पे ही कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहां आपको कलर और ग्रेडियंट दो ऑप्शन मिल जाते हैं। कलर वाले ऑप्शन में आपको जितने भी कलर मिलेंगे वो सारे सिंगल कलर मिलेंगे, और यहां ग्रेडियंट वाले सेक्शन में आप एक से ज्यादा कलर को मिक्स करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चाहे वो बना सकते हैं। सो यहां से आपको यही ग्रेडियंट वाले कलर पे क्लिक करके कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहां से मैं व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेता हूं। देन क्या करना है, यहां ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहां से अब हम इस कलर को बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे दो कलर दिख रहे हैं, एक यहां पे व्हाइट कलर और एक यहां पे ब्लैक कलर। सो हमें बारी बारी से दोनों कलर को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम यहां से ब्लैक कलर को सेलेक्ट करते हैं, देन यहां कलर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां से ब्लैक को हम क्या कर देंगे, डार्क ब्लू या फिर जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहां से हम डार्क ब्लू लेते हैं और इसको ड्रैग करके यहां करके इस ब्लू वाले सेक्शन पे लाते हैं, देन यहां ओके पे क्लिक कर देना है। तो एक साइड का कलर हमारा डार्क ब्लू हो गया। अब दूसरे साइड को हम सेलेक्ट करते हैं, देन यहां फिर से आपको कलर वाले आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा लाइट ब्लू यहां से ले लेते हैं और कुछ इस तरह से हमें ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो दो कलर लाइट और डार्क ब्लू कलर का जो है कॉम्बिनेशन होगा, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे आप चाहें तो किसी दूसरे कलर को भी यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेट हो गया। अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो आपको थंबनेल बनाते वक्त ध्यान रखनी है। जैसे कि थंबनेल पे टेक्स्ट को ऐड करते वक्त हमें टेक्स्ट के कलर को ऐसा रखना है जो थंबनेल के बैकग्राउंड से मैच ना करे, उस पर सही से दिखे। इसके अलावा फॉन्ट का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि हमारा फॉन्ट ज़्यादा स्टाइलिश ना हो, ताकि हमारा जो टेक्स्ट जो कुछ भी लिखा हो वो हमारे व्यूवर्स को सही सही से समझ में आए। तीसरी बात कि हमें कुछ ऐसा आई कैची लाइन लिखना है अपने टॉपिक से रिलेटेड जो लोगों को मजबूर कर दे कि यार इस वीडियो में तो कुछ अजीब सा है, क्लिक कर दे आपके वीडियोस को देखने के लिए। सो गाइस थंबनेल पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स मिलेगा, या फिर आप यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट बॉक्स है इस पे आपको डबल टैप करना है, और यहाँ पे आप अपने वीडियो टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल ऐड कर लेना है। जैसे कि आज की वीडियो में मैं थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे थंबनेल ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब मैं ऐड कर रहा हूँ, देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया है। अब हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है, सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ए वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पिक्सल ऐप में बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, उन फॉन्ट्स को आपको यूज करना है। यहाँ से जो आज मैं फॉन्ट यूज किया हूँ इसका नेम मीम फॉन्ट है, ये आपको पिक्सल ऐप में ही मिल जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, सो इसी ए वाले सेक्शन में आपको नीचे यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, सो जो आपको अच्छा लगे वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आज मैं इसके लिए ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो थंबनेल ट्यूटोरियल मैंने लिखा है इसके लिए मुझे बैकग्राउंड सेट करना है इस टेक्स्ट के लिए। मैं चाहूँ तो इस मेन
बैकग्राउंड पे ही रहने दूंगा, लेकिन ये मेन बैकग्राउंड के लिए मैंने ब्लैक कलर चेंज नहीं किया है, इसके लिए मैं अलग से येलो स्ट्रिप ऐड करने वाला हूँ। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है। जैसे आप शेप्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स ऐड हो जाएगा, इसको कुछ इस तरह से आपको रीसाइज कर लेना है रेक्टेंगल के फॉर्म में। देन आपको इसके कलर को यहाँ से चेंज कर लेना है, यहाँ पे बहुत सारे कलर मिलेंगे। सो जो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया टेक्स्ट का, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड येलो कलर का रखूंगा, क्योंकि येलो के ऊपर ब्लैक काफी अट्रैक्टिव और विजिबल रहता है। सो यहाँ पे येलो चेंज करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। देन हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से अगर मैं सीधे रखूं इस बैकग्राउंड के ऊपर येलो स्ट्रिप को, सो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा टिल्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। ऐसे ही यहाँ से हमें टेक्स्ट को ड्रैग करना है और टेक्स्ट को भी इस तरह से हमें टिल्ट कर लेना है, देन इसके ऊपर लाना है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो बैकग्राउंड में जा रहा है, तो इसी ए वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ टू फ्रंट पे क्लिक करके हमारे टेक्स्ट को फ्रंट साइड में कर लेना है। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया उसी के अकॉर्डिंग हमने बैकग्राउंड भी सेट किया, ताकि यहाँ पे हमारा जो थंबनेल ट्यूटोरियल है वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। सो अगर और भी कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस स्ट्रिप का कॉपी बनाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, देन आपको यहाँ हेक्सागोनल सेक्शन में आना है और यहाँ से कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक कॉपी बन जाएगा। सो यहाँ पे दूसरी कॉपी को मैं ऐड कर दूंगा, और फिर इसके कलर को अगर चेंज करना हो तो इसी हेक्सागोनल सेक्शन में आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। सो ये हो गया हमारा रेड कलर। अब इसके ऊपर हम दूसरा टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे थंबनेल ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब, तो जो दूसरा टेक्स्ट ऐड करेंगे वो हमारे रेड के ऊपर सही से दिखना चाहिए। तो अगर हम रेड के ऊपर ब्लैक कलर रखते हैं तो वो सही से दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट ऐड करेंगे वो व्हाइट कलर का ऐड करेंगे या कोई ऐसा कलर यूज करेंगे जो रेड के ऊपर सही से विजिबल हो। तो यहां से हम क्या करेंगे, दूसरे टेक्स्ट के लिए थंबनेल ट्यूटोरियल जो हमने ऐड किया था इस पे क्लिक करके इस टेक्स्ट का एक कॉपी बनाएंगे। सो क्लिक करने के बाद यहां ए वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, देन यहां कॉपी पे क्लिक करना है, ये एक कॉपी बन जाएगा इसका। सो इस पे डबल टैप करके यहां से हम दूसरा टेक्स्ट अपना ऐड कर लेते हैं, देन यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया, बट ये ब्लैक कलर में है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसी ये वाले सेक्शन में कलर पे क्लिक करके यहाँ से इसके कलर को वाइट कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे हमारा इसका कलर चेंज हो गया। अब बारी है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो अपनी तस्वीर जो है, अपनी पिक्चर यहाँ पे PNG फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी तस्वीर यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है व्यूवर्स के ऊपर, वो क्लिक करके देखते हैं और हमारा थंबनेल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सो अगर आप अपनी पिक्चर को लगाना चाहें तो सही है, वरना आप अपनी तस्वीर को किसी दूसरे चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल से कोई PNG फॉर्मेट कार्टून वगैरह का डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा किया करता हूँ। सो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऐड वाला आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, ये आपकी डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा। यहाँ से मैं वो PNG फाइल ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मैंने अपनी तस्वीर और यहाँ पे बहुत सारी ये PNG फाइल, जैसे कि ये एक PNG फाइल है, ये PNG फाइल भी मैं यूज करता हूँ अक्सर इस तरीके से, ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी तस्वीर यूज करने वाला हूँ। सो इसके लिए ऐड वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं जो मेरा PNG फाइल है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपनी पिक्चर का। सो यहाँ पे PNG फाइल ऐड करने के बाद मैं इसे फ्लिप कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में, और यहाँ से मैं इसे क्रॉप करके यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है, देन इसे जूम करके यहाँ मैं साइड में प्लेस कर देता हूँ। सो आप जब भी कोई थंबनेल बनाए तो अपने टॉपिक से रिलेटेड आइकन जरूर ऐड करें, और खास करके जो आप अपनी फोटो डालते हो उसमें आप जिस भी तरीके की टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी ऐड कर सकते हो। सपोज आप कोई एक्साइटिंग चीज़ें बता रहे हो तो कोई एक्साइटमेंट से रिलेटेड आप अपनी पिक वहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई सैड न्यूज़ शेयर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सैड पिक्चर ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है कि काफ़ी इंगेजमेंट बढ़ता है और व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं YouTube से रिलेटेड बात कर रहा हूँ थंबनेल से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे थंबनेल सॉरी YouTube का आइकन भी ऐड करूँगा। सो इसके लिए क्या करना है, यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। इसके बाद ये डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा, यहाँ से मैं YouTube के PNG फाइल्स जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितने भी मैं फाइल्स यूज कर रहा हूँ इन सब का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आपकी ज़रूरत की होगी कार्टून वगैरह का, जैसे ये सब कार्टून है वो आप यूज कर सकते हैं अपने थंबनेल को बनाने के लिए, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से इसको छोटा करना है, थोड़ा सा रोटेट करना है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं YouTube में का यू जो है
वो हमारा ब्लैक कलर में है जो कि ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे सही से दिख नहीं रहा है। सो हमें क्या करना है, इस हेक्सागोनल सेक्शन पे क्लिक करके नीचे आना है, यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, यानी इसे इनेबल कर देना है और यहाँ से इसकी स्ट्रोक विड्थ को बढ़ा लेनी है। अब इससे हमारा क्या होगा, यूट्यूब जो लिखा हुआ है वो सही से दिखेगा। यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है और इसके पीछे यहाँ से आपको शैडो क्रिएट कर लेना है, तो थोड़ा 3D टेक्सचर में ये आ जाएगा। सो कुछ इस तरह से आपको करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ब्लॉग चैनल वालों के लिए थंबनेल बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ पे बैकग्राउंड के बदले वो अपनी किसी मतलब ब्लॉग का ही जो भी वीडियो है उसका कोई सीन यहाँ पे ऐड करके और भी आसानी से थंबनेल बना सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना होता है। सो गाइज, होप कि अब आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थंबनेल बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।